हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पल्लवी और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक नई रेसिपी, चावल दाल के चीले। दोस्तों, आपने कई बार चीले बनाए होंगे लेकिन बेसन के बनाए होंगे। आज मैं आपके लिए चावल दाल के चीले लेकर आ रही हूं। कई बार होता है कि हम चावल दाल भिगो तो देते हैं पर हमारा खाने का मन नहीं होता, या फिर कभी प्लान चेंज हो जाता है, तो उस केस में हम चावल दाल को क्या करें? अगर सर्दियों में मन नहीं हो रहा चावल दाल खाने का, तो चावल दाल की जगह हम ये नई रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपसे कोई इंग्रेडिएंट या स्टेप मिस ना हो। तो आइए चलते हैं, आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने आधी कटोरी चावल ली है और आधी कटोरी से कम मैंने दाल ली है। दाल में मैंने मिक्स यूज़ कर रही हूँ, जिसमें मूंग, मसूर और अरहर की दाल मिक्स की है। आप चाहें तो चना भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इसे भिगो दिया है मैंने, करीब रात भर भिगोया है और ये दोनों अच्छे से भीग के मैंने वॉश भी कर लिया। अब इन दोनों को हमें ग्राइंड करना है। साथ में मैंने एक प्याज और शिमला मिर्च को इस तरह से बारीक काट लिया है। चार हरी मिर्च ली है, थोड़ा सा मैंने गाजर ग्रेट कर लिया है, थोड़ा सा धनिया पत्ती बारीक काट ली है, 1 इंच के करीब मैंने अदरक ग्रेट कर लिया है और थोड़ा सा मैंने हरा मटर लिया है। इसके बाद मैंने दाल, हरी मिर्च और मटर को इस तरह से ग्राइंड कर लिया है। चावल साथ में पहले ग्राइंड नहीं करें, नहीं तो ग्राइंड अच्छे से नहीं होगा। चावल को हम लास्ट में ग्राइंड करेंगे। इसके बाद 2 ट्रिप में मैंने चावल को ग्राइंड किया है। जब भी आप चावल पीसें उसमें बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करें, करीब 2 से 3 चम्मच ही ऐड करें और इस तरह से फाइन पेस्ट बन जाएगा। ध्यान रहे, चावल को बिल्कुल फाइन पेस्ट बनाना है, नहीं तो आपका चीला अच्छा नहीं बनेगा। इसके बाद जो ग्राइंडर से जो भी हमें चावल निकालना है वो निकाल लें। इसके बाद थोड़ा सा पानी ऐड करें, जो भी आपके ग्राइंडर में लगा है वो सारा आप इसमें ऐड कर दें। इस तरह से पानी की हेल्प से जो भी आपके ग्राइंडर में मसाला लगा हो वो आप इसमें डाल दें। इसके बाद हम इसे मिक्स करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी एक हेल्दी रेसिपी घर पे ट्राई कर सकें। इसके बाद मैंने प्याज, शिमला मिर्च ऐड कर दिया है, साथ में गाजर ऐड कर दूंगी। आप और भी कोई वेजीज ऐड करना चाहते हैं तो इस तरह से बारीक काट के ऐड कर सकते हैं। इसके बाद धनिया पत्ती ऐड कर देंगे, अदरक, हरी मिर्च को हमने ग्राइंड कर लिया था, आप चाहें तो बारीक काट के भी इसमें डाल सकते हैं। इसके बाद आप नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। मैं यहाँ करीब 2 चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ। अब इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। मैं यहाँ बिना बेकिंग पाउडर या बिना बेकिंग सोडा के आपको एक बना के दिखा रही हूँ और साथ में एक बेकिंग सोडा के साथ भी मैं आपको बना के दिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने तवा प्रीहीट कर लिया है। मैं ये बिना बेकिंग सोडा और बिना बेकिंग पाउडर के ऐड दिखा रही हूँ। ये नॉनस्टिक तवा है इसलिए मैंने पहले ग्रीस नहीं किया है, आप चाहे तो बेशक ग्रीस कर लें। तरह से चारों तरफ फैला देंगे। तवा आपका मीडियम फ्लेम पे होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हीट नहीं करें नहीं तो ये जल जाएगा आपका नीचे से। और ऊपर से मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ उसमें और ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी बन के रेडी हुई है। जब एक साइड से सिक जाए इसके बाद इसे पलट दें। तो इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई करें। आप चाहे ब्रेकफास्ट में या इवनिंग स्नैक्स में कभी भी इसे बना सकते हैं। तो ये बहुत ही टेस्टी बन के रेडी हुई है और बहुत काफ़ी क्रिस्पी भी थी। तो ये मैंने बिना सोडा के आपको बना के दिखाया। इसके बाद मैं आपको एक ये बेकिंग पाउडर के साथ ऐड की हूँ, करीब 1/2 छोटा चम्मच, और इसे मिक्स करके। बेकिंग पाउडर ऐड करने से ये काफ़ी सॉफ्ट सा भी बनता है। तो इस तरह से मिक्स करके थोड़ी देर हम इसे ढक के करीब 10 से 15 मिनट तक रख देंगे। अभी 10 से 15 मिनट हो चुका है, फिर मैं अब इस तरह से तवा प्री हीट करके इसे ग्रीस कर लें। और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाए। इस तरह से जैसे आप चीला बनाते हैं इस तरह से इसे तवे पर फैला दें। बेकिंग पाउडर डालने से जिस तरह से इसमें होल्स हो रहे हैं वो आपको दिख रहे होंगे, ये बेकिंग पाउडर के बिना इस तरह से होल्स नहीं आएंगे। ऐसा लग रहा है जैसे आपने फर्मेंटेट किया हो इसे।
तो इस तरह से ये बन के रेडी है, बहुत ही हेल्दी नाश्ता बन के तैयार हुआ है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी ये रेसिपी घर पर ट्राई कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।